हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में इस वक्त बड़ी ही तेज हवाएं चल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर। मेरा अनुमान है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा होंगी। देखिए, अखिलेश मैं देख भी पा रहा हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ। तूफान की तीव्रता बढ़ सकती है, उसका असर मुंबई में बढ़ सकता है। मुंबई में निसर्ग तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसका असर अब मुंबई के विधान भवन पर भी पड़ा है। इतनी तेज हवाएं हैं कि मेरा खड़ा रहना इस वक्त इस जगह पर मुश्किल लग रहा है। हवा इतनी तेज है कि वो भी जोखिम नहीं उठा रहे हैं बाहर आने का, लेकिन ऐसे में भी हम आप तक इन सारे दृश्यों को पहुंचा रहे हैं। आप नाम का ये तूफान अलीबाग से अब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। निसर्ग चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस समय हम मुंबई के बांद्रा वाली सीलिंग पर मौजूद है। क्या हो रहा है पर ये कह सकते हैं कि तूफान इस वक्त अपने चरम पर है। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान, घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना से जूझता महाराष्ट्र, जिसने आज करीब 4.5 घंटे तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले निसर्ग चक्रवाती तूफान को झेला है। इसमें बड़ी जानकारी यह है कि निसर्ग तूफान के कारण मुंबई में किसी नागरिक की जान नहीं गई है। निसर्ग चक्रवात से पूरे महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई और ठाणे में तूफान से किसी नागरिक की मौत का दुख देश को नहीं उठाना पड़ा है। मौत चाहे किसी एक नागरिक की भी हो, वो बड़ी क्षति है। लेकिन जब अभी 2 हफ्ते पहले ही उम्पुन तूफान ने 80 लोगों की जान ले ली हो, तब ये राहत की खबर हम आपको दे रहे हैं कि निसर्ग तूफान से कोई बहुत बड़ी मानवीय क्षति महाराष्ट्र को नहीं झेलनी पड़ी। तो आज हम आपको दिखाएंगे तूफान कैसे आया, क्यों आया, तूफान कैसे रोका जा सकता है। रिपोर्ट के 3 हिस्से हैं, एक एक करके ये तीनों हिस्से देखिए। सहमत हैं तो घंटी जरूर बजाइएगा। नाम निसर्ग, पहचान चक्रवाती तूफान, रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा। वक्त दोपहर 1 बजे, जगह मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग। जब चक्रवाती तूफान निसर्ग का लैंडफॉल हुआ, यानी जमीन पर जब चक्रवात का असर दिखने लगा, उड़ले तो जिस तूफान ने मुंबई के पास रायगढ़ में पूरे टिन शेड को कागज के पन्ने की तरह मोड़ कर रख दिया, आज घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट ये देखकर आप समझ पाएंगे कि तूफान आया क्यों। जड़ें हिला देने वाला निसर्ग तूफान एक सदी के बाद मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में कैसे आया। जिसने मुंबई पर तूफानी बिजली गिराई और ऐसी तबाही दिखाई कि बाबूजी लोगों को याद आ गए। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि निसर्ग तूफान जब सबसे पहले
मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पर अलीबाग पहुंचा तो हवा का वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पेड़ों को कागज की तरह हिलाने लगी। अलीबाग में छत के टीन शेड पत्ते की तरह बिखरते दिखे। वो पेड़ किसी पौधे की तरह झुक गए जो 10 साल से सीना तान कर खड़े रहते थे। दमन में तूफानी हवाएं पहुंची तो बारिश में छाते की तरह उल्टे होते पेड़ नजर आए। अलीबाग के मांडवा में अब आप तेज बारिश के पानी को हवा के प्रवाह में उड़ते हुए देखिए। लोहे के खंभे हिला देने वाला ये तूफान क्यों आया? मुंबई के पास ऐसा क्या हुआ समंदर में जिसने 129 साल बाद कह रहे हैं कि चक्रवाती तूफान को जन्म दिया है? ये आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले देखिए रत्नागिरी में क्या हुआ। मिराया बीच में समंदर किनारे शिप अब डूबा तब डूबा, लगने लगा कि डूब ही जाएगा। शिप का पानी में डूबना तय नजर आता दिखा, लेकिन एमटी बसरा नाम का ये शिप समंदर में यूं ही कई घंटे तक फंसा रहा। तो मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फेडेक्स कंपनी का मालवाहक विमान तूफान के आगे फिसलता हुआ दिखाई दिया। अबे क्या हो रहा है इसको? ये क्या हो रहा है? पर रत्नागिरी में तूफान के आगे ये टीन शेड कैसे कागज की तरह पहले मुड़ा और उड़ा, अब इसे देखिए। तूफान के आगे कई छतों के हिस्सों के परखच्चे उड़ते दिखे। एक वीडियो ये भी इस दौरान वायरल हुआ जिसमें एक आदमी तूफान के दौरान दावा है टिन शेड के पास रस्सी पकड़कर खड़ा है, तभी तूफान आया और उड़ते टिन के साथ आदमी हवा में उड़कर छत पर पहुंच गया। दावा है मुंबई में ऐसा तूफान इससे पहले 1882 में आया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में उठने वाले तूफान तटीय इलाकों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते रहे हैं। 1891 से तूफानों का डेटा नोट करने वाले साइक्लोन की एटलस रिकॉर्ड के मुताबिक जून में कभी महाराष्ट्र में कोई कहीं तूफान नहीं आया था। इस बार मुंबई में तूफान आने की वजह लगातार हो रहा जलवायु परिवर्तन है। समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है तो गर्म और नमीदार हवाओं के ऊपर उठने से तूफान पैदा होता है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अरब सागर अब तक बंगाल की खाड़ी के मुकाबले ठंडा रहता था, इसी वजह से अरब सागर में बहुत कम चक्रवात उठते रहे हैं, लेकिन अब कहानी बदल रही है। इस कारण तूफान गुजरने के बाद क्या हालत मुंबई शहर की दिखी, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुंबई और आसपास के इलाकों ने चक्रवाती तूफान का सामना किया, जहां निसर्ग तूफान शहरों के भीतर पेड़ गिराकर चला गया। नवी मुंबई में मंदिर के पास चबूतरे के साथ जड़ समेत उखड़कर ये पेड़ तूफान के वेग के आगे गिर गया, और ऐसा एक पेड़ नहीं है। नवी मुंबई इलाके में कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर भी बताती है कि घरों की छत और पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर ही निसर्ग तूफान गुजरा है। मुंबई शहर में कई जगहों पर पेड़, गाड़ियों, मकान और दुकान पर गिरा। ये सब क्यों हुआ, इसे आप मुंबई के पास उरण की तस्वीर से समझिए, जहां से तूफान ने मुंबई में एंट्री ली। और यहाँ संवाददाता मंदार गोंजारी मौजूद दिखे। अलीबाग से अब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और ये
इसीलिए तेज हवाओं ने अलीबाग इलाके में स्कूल के पास पेड़ को धराशायी कर दिया। धारावी इलाके में 100 साल पुराना पेड़ जमींदोज हो गया। जिस तूफान में पेड़ ढह गए, संवाददाता जितेंद्र दीक्षित नरीमन पॉइंट पर आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए डटे खड़े रहे। मेरा अनुमान है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा होगी, क्योंकि एम्बुलेंस में देख भी पा रहा हूँ और महसूस भी कर पा रहा हूँ। इसी तूफानी हवा ने मुंबई के कई इलाकों में पेड़ को जमीन पर गिराकर जनता का नुकसान किया है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में हूं और यहां पर भी ये एफ रोड है मरीन लाइन्स की, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया है। तेज हवाएं अब से कुछ देर पहले यहां पर चल रही थी जो ये पेड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जड़ से ये पूरा पेड़ जो है उखड़ गया है और इसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है। अब हमें यहां पर नजर आ रहा है कि इस पेड़ को यहां से हटाने का काम चल रहा है। मुंबई के सायन इलाके में कुछ समय पहले ही ये पीपल का बड़ा पेड़ गिरा है, आप देख सकते हैं। अभी इस पीपल के पेड़ जो गिरा है उसको हटाने का काम चल रहा है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ कटर से इस पेड़ को काटेंगे और बाद में इसको यहाँ अलग किया जाएगा ताकि यहाँ जो सड़क बंद हो गई है इस वजह से वो खोली जा सके। 12:30 बजे से 4 बजे के बीच तक मुंबई और आसपास के इलाकों में निसर्ग तूफान का असर दिखा, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रही कि इस तूफान में शाम 7 बजे तक हमें किसी के जान की नुकसान की खबर नहीं मिली। तो सुनिए ये कैसे संभव हुआ। ये बीकेसी कोविड सेंटर है जहां निसर्ग तूफान का असर तो दिखता है, लेकिन प्रशासन ने पहले ही यहां से 250 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया था। महाराष्ट्र में दावा है कि 1 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। बीच खाली कर लीजिए, तूफान आने की संभावना है, आप बीच खाली कर लीजिए। दक्षिण गुजरात में भी पहले ही 50,000 लोगों को निसर्ग तूफान की जद से दूर पहुंचा दिया गया। क्यों और कैसे ये संभव हुआ, सुनिए देश में आपदा प्रबंधन संभालने वाली संस्था NDRF के DG SN प्रधान से। 45 टीमें जो लगी हुई थी दोनों राज्य मिलाकर, उसके जो ड्यू डिलिजेंस के कारण अब लगभग 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन इवैक्यूएटेड है। तूफान आने वाला है तो मौसम वैज्ञानिक चक्रवात की रफ्तार और दिशा का सही अनुमान लगाकर अभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा प्रहरी है जिसे अगर हमारे देश में जगह दी जाए तो हर चक्रवाती तूफान से मुंबई और मुंबई जैसे तटीय शहर सुरक्षित रहेंगे? जी हां, रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए। समंदर के किनारे बसी मुंबई, मुंबई में तूफान 129 साल बाद आया तो टिन की छतें उड़ी, आपने देख लिया। पेड़ गिरे, आपने देख लिया। शिप हिल गया, आपने देखा। और ट्रेन रनवे से किनारे चला गया, हमने आपको ये भी दिखाया। सवाल अब ये है कि आगे फिर तूफान आए तो उन्हें रोकने और सहने की क्षमता कैसे मिलेगी? क्या मैंग्रोव उगाने से तूफान से बच सकते हैं? आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो हरे भरे जंगल जैसी तस्वीर नजर आ रही है, ये समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पेड़ हैं। मुंबई के आसपास या फिर समुद्र के तटीय इलाकों में जहां भी मैंग्रोव के पेड़ भारी तादाद में रहते हैं, कहते हैं वहां चक्रवाती तूफान का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ये मैंग्रोव के पेड़ ही चक्रवाती तूफान की गति को कम करने में सक्षम होते हैं। कैसे, अब इस वीडियो के जरिए आपको हमारे साथ समझना चाहिए। इस वीडियो में आपको एक तरफ पानी की बड़ी लहरें उठती नजर आ रही हैं। मान लीजिए कि ये चक्रवाती तूफान की लहरें हैं, लेकिन ऐसी जानलेवा लहरें जब तट की तरफ आबादी को नुकसान पहुंचाने बढ़ती हैं, तो बीच में मैंग्रोव के पेड़ों का वन उन लहरों और तेज हवा के वेग को सीमित कर देता है, जिससे देखिए तटीय इलाके तक समुद्र में उठते तूफान की पहुँच नहीं बन पाती। Oh, yeah.
लेकिन अब मुंबई के आसपास मैंग्रोव के यही पेड़ अतिक्रमण के कारण काट दिए जा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है कि अब निसर्ग जैसे तूफान के आगे आप सिर्फ आपदा प्रबंधन के भरोसे ही बचते हैं, क्योंकि 2013 से 2018 के बीच मुंबई में 22 हेक्टेयर में लगे मैंग्रोव के पेड़ काट दिए गए हैं। जरूरत है कि तटीय इलाकों के पास मैंग्रोव के इन्हीं जंगलों को विकसित किया जाए, विकास के नाम पर विनाश को न्योता ना दिया जाए। आप हमारी इस बात और इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो घंटी बजाकर अब अपनी आवाज़ उठाइए।